दोस्तों अभी आपको दो ऐसे मैजिक ट्रिक्स दिखाएंगे जिसे आप अपने घर के ही सामान के इस्तेमाल करके लोगों को दिखा सकते हैं और सोच में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मैजिक खेल को। दोस्तों हमारे पास है चेन, जो नॉर्मल चेन होता है उसी तरह का ये चेन है। अजीत अपने हाथ को आप ऐसे कीजिए, तो अजीत के बिल्कुल हाथ के जो बीचों बीच है यहाँ पे इसे डाल देते हैं और देखिए इस चेन को इसमें फंसा दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर मैजिक लगाएंगे, आबरा कदाबरा गिली 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 छू, तो देख सकते हैं ये चेन ऊपर आ गया है। इसका रहस्य आपको इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक और खेल आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास है एक कड़ा जो कि हाथ में पहनते हैं। अजीत तुम इसे अपने हाथ में पकड़ो, और एक धागा है जिसके दोनों तरफ मोती लगा हुआ है। अब इसी से अभी यहाँ पे एक खेल करेंगे, और इस खेल को आप देखिए बहुत ही शानदार खेल है। तो यहाँ पे हम इसे बाहर कर लेते हैं, और इस मोती को आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है। ठीक है, अब यहाँ मैजिक करेंगे, आबरा कदाबरा गिली 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 छू, तो देखिए ये बाहर आ गया है और इसका दोनों छोर मेरे हाथ में है। चलिए दोनों खेल का रहस्य आपको बताते हैं। दोस्तों इस चेन से जो खेल दिखाए हैं इसे इस धागा के इस्तेमाल से भी दिखाया जा सकता है। तो अभी आपको चेन से हम बता देते हैं कि कैसे हम किए हैं। ऐसे कीजिए अजीत आप हाथ को, तो यहाँ इसके बीच में इस चेन को डाले हैं, और यहाँ डालने के बाद जो मेरा दाहिना हाथ है यहाँ आप नोटिस कीजिए, इसे बिल्कुल ऊपर से ले जाना है। ऐसा नहीं कि इस बाएँ वाले हाथ को ऊपर से, यहाँ दाहिना वाला हाथ ऊपर आएगा और ये इसमें आ जाएगा। ये बाएं हाथ में जो था वह नीचे से हमारे दाहिना हाथ में आ गया है। एक बार और आप देख लीजिए, ऐसे लाए और इसे इस हाथ में पकड़े ऊपर से, और फिर यह मेरे दाहिना हाथ में चला गया। अब जब इसमें मैजिक किए हैं आबरा कदाबरा गिली गिली छू, तो यहाँ पर जब लाए हैं तो अपना अंगूठा से यहाँ इसे पकड़ लिया ऐसे, और इसे सीधा खींच दिए है ऐसे करके, और सीधा इसे खींच दिए है। देखिए अब थोड़ा सा आपको हम स्लो करके दिखा देते हैं, यहाँ ला करके इसे ऐसे छोड़ दिए हैं, और यह तेज़ी से हुआ है जिसके वजह से ऐसा लगा है कि यह आर पार हो गया है कुछ इस तरह से। यहाँ ऐसे लाएँ और इसे ऐसे, ठीक है। तो अब चलिए सेकेंड खेल बताते हैं। सेकेंड में था यह धागा जिसमें मोती लगा हुआ है, और एक कड़ा हम दिए हैं सामने, और बोल दिए हैं कि हमारे पास दो मोती है जो कि दो किनारे पर इस धागा के लगा हुआ है। अब इसमें क्या किया है कि कुछ इस तरह से पकड़े हैं, यूँ पकड़ने से हुआ क्या है कि यहाँ जो मोती है वो तो हम जब लिए हैं तो इसे ऐसे खींचे हैं, लेकिन हमारे इस हाथ में मोती आया ही नहीं है, दोनों मोती यहीं पे हैं। ओके, तो क्या अजीत अजीत हंस रहा है कि ये तो हम समझ नहीं पाए थे। तो ऐसे इसे खींचे और इस हाथ में दोनों मोती आ गया था, और यह हाथ बिल्कुल खाली था। अब यहाँ इसके बिल्कुल सेंटर से यहाँ पर हम इसे पास कर दिए हैं, यहाँ से ऐसे खींच करके और इसे पकड़ लिए हैं। अब पकड़ने के बाद यहाँ इसे देखने नहीं देना है, केवल आपको इतना विजिबल रखना है यहाँ। ओके, अब जब हम इसमें मैजिक करते हैं, मैजिक पास करते हैं, तो यहाँ इसे पकड़ लेंगे और इसे सीधा ऐसे छोड़ देते हैं ऐसे। अब यहाँ इसमें आ जाता है और यह देखता है कि वाह, इसमें जो मोती है वह इसी में है, वो समझ नहीं पाता। ज़रा आप इसे देखिएगा कि इसे कैसे किए हैं, एक बार और आपको दिखाते हैं। यहाँ ऐसे लिए हैं और इसमें यहाँ जब इसे खींचे हैं ऐसे, तो कुछ यूँ दोनों हाथ में आ गया है। तो दोस्तों यही रहस्य है दोनों खेल का। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए खेल के साथ, तब तक तैयार कर दीजिए। नमस्कार।